तो आज हम जानेंगे टॉर्क रेंज के बारे में। कोई भी बोल्ट को स्पेसिफाई टॉर्क से ही हमेशा टाइट करना चाहिए, बिकॉज अगर वो ओवर टाइट हो जाएगा या फिर लूज रह जाएगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आज हम डिजिटल टॉर्क रेंज का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो बोल्ट दिख रहा है उसको हम एज्यूम करते हैं कि 23 न्यूटन मीटर का टॉर्क अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं पहले डिजिटल टॉर्क रेंज में 23 न्यूटन मीटर पर उसको सेट कर दूंगा। देन वो सेट हो जाने के बाद में उसे हम लॉक कर देंगे, और जैसे ही वो 23 न्यूटन मीटर पे लॉक हो जाए उसके बाद में उस स्पेसिफाइड टॉर्क को वो बोल्ट के ऊपर अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ग्रीन कलर की लाइट जलना शुरू हो जाएगी मींस टॉर्क नियर बाय आ चुका है, और जैसे ही रेड कलर की लाइट जल गई मींस टॉर्क अप्लाई हो चुका है। इस तरीके से आप डिजिटल टॉर्क रेंज का यूज़ कर सकते हो कोई भी बोल्ट को स्पेसिफाइड टॉर्क पे टाइट करने के लिए। थैंक यू गाइस।